देखिए, लैंड फॉर्म्स का इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है जब एक्सोजेनिक एजेंट्स या एक्सोजेनिक फोर्सेस उस पर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तभी से वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक्सोजेनिक एजेंट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ पहली क्लास में। तो ये अलग अलग तरीके से लैंड फॉर्म को इम्पैक्ट भी करते हैं, इनका इफेक्ट अलग अलग तरीके से होता है। विंड का इम्पैक्ट अलग होगा, पानी का इम्पैक्ट अलग होगा, ठीक है। मैं दो ही एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यही ज्यादातर मेन जो मेन जियोमॉर्फिक एजेंट है वो यही दोनों है, ठीक है। लेकिन सभी एरियाज पे इन दोनों का इम्पैक्ट, सभी क्लाइमेट्स में, सभी लैंड फॉर्म्स पे इन दोनों का इम्पैक्ट सेम नहीं हो सकता। कहीं पे पानी का ज्यादा इम्पैक्ट होगा, कहीं पे विंड का अलग इम्पैक्ट होगा। ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि जब पानी काम करेगा एज एन एक्सोजेनिक, एज एन जियोमॉर्फिक एजेंट और एन एक्सोजेनिक एजेंट, उस टाइम पे पानी जो होगा वो अपने अलग तरीके के लैंड फॉर्म को, अलग अपने तरीके से लैंड फॉर्म को इवॉल्व करेगा। वहीं विंड जो होगी वो अपने तरीके से लैंड फॉर्म को इवॉल्व करेगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं डेजर्ट एरियाज का, जहां पे पानी कम होता है, या एरिड एरियाज का, ठीक है, तो वहां पे पानी का रोल कम है, विंड ज्यादा है, तो विंड ज्यादा एक्टिव रहेगी। पानी का इवोल्यूशन में जो इम्पैक्ट है ना के बराबर होगा या बहुत कम होगा। उसी तरीके से उल्टा, अगर ह्यूमिड रीजन है, ह्यूमिड रीजन या वेट एरिया जो होता है जहां पे पानी ज्यादा होता है, तो वहां पे पानी का इंपैक्ट ज्यादा होगा, विंड का उतना ज्यादा नहीं होगा। वही आज का हमारा टॉपिक है, रनिंग वाटर, ठीक है। चैप्टर 6-7 है, लैंडफॉर्म्स अंडर इवोल्यूशन। दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम पढ़ने वाले हैं रनिंग वाटर का क्या इंपैक्ट होता है लैंडफॉर्म्स के इवोल्यूशन में, ठीक है। यहां तक बताने की जरूरत नहीं है कि लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं। एंड्रोजेनिक फोर्सेस पहले काम करती हैं, जब एंड्रोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं तो कोई लैंडफॉर्म बनता है। पहाड़ भी बन सकता है, खाई भी बन सकती है, प्लेन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, पठार भी बन सकता है, ठीक है। बनते बनते ही बाहर जो फोर्सेज हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस, उस पर अपना काम स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। ये सब चीजें आपको बार बार बता चुका हूं मैं, फिर बता रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। एक्सोजेनिक एजेंट्स जो है वो जियोमॉर्फिक एजेंट्स, वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, क्या बोलती है उनमें, जो सबसे पहला जो हम आज का टॉपिक हमारा, रनिंग वाटर कैसे इवॉल्व करता है। लैंडफॉर्म बन गया एंडोजेनिक फोर्सेस में, बना दिया, अब वो इवॉल्व होगा। इवॉल्व कौन कर रहा है? एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक में सबसे पहले कौन सा हम पढ़ रहे हैं? रनिंग वाटर, ठीक है। चैप्टर है लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं और उनका इवोल्यूशन कैसे होता है, ठीक है। तो रनिंग वाटर इन ह्यूमिड रीजंस, ह्यूमिड रीजन मतलब पानी है जहां पे, समझ गए होंगे आप, विच रिसीव हैवी रेनफॉल, जहां पे कि रेनफॉल ज्यादा होती है। रनिंग वाटर इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द जियोमॉर्फिक एजेंट्स। वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट किसको समझाता है? रनिंग वाटर को। ऑब्वियस सी बात है, रेनफॉल होगी, पानी धरती पे गिरेगा, इकट्ठा होगा, फिर वो आगे स्लोप से नीचे जाएगा, जहां भी ग्रेडियंट होगा वहां से नीचे की तरफ बहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इन ब्रिंगिंग अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सरफेस, कैसे इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट तो है, लेकिन किस चीज, क्या काम करेगा एजेंट? ब्रिंगिंग डाउन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड सरफेस, लैंड सरफेस को डिग्रेड करेगा, इरोजन स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया, समझ है, ठीक है। चलिए, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर। अब रनिंग वाटर के भी टू कंपोनेंट्स होते हैं, रनिंग वाटर भी दो तरीके से काम करता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। पहला, जब सपोज कीजिए ये हमारा एक सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, यहां पे पानी पड़ा, पूरे पे पड़ेगा वैसे तो, लेकिन यहां पे जो पानी होगा, जैसे बारिश हुई यहां पे पानी गिरी, तो बारिश क्या होगा, अब ये धीरे धीरे नीचे पानी आएगा, तो ये एक शीट की फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहां पर लिखा, देयर टू कंपोनेंट्स ऑफ रनिंग वाटर, वन इज ओवरलैंड फ्लो। पहला ओवरलैंड फ्लो होता है, जो ऐसे, जो कि लैंड पे शीट की तरह बहता है, फ्लो ऑन जनरल लैंड सरफेस एट शीट, जो कि जनरल लैंड सरफेस है। बारिश हुई तो पानी क्या होगा, जैसे आपने देखो गलियों में पानी भर जाता है, तो पानी कैसे फिर स्लोप से बहता है, ऐसे सड़क पे ऊपर हाई स्लोप से लोअर स्लोप की तरफ बहता है ना, जमीन में आपने कहीं मैदान में देखा होगा, स्लोप पे देखा होगा पानी गिरते हुए, इसी तरीके से बहता है। तो ये जनरल स्लोप होता है, कुछ नहीं है, जमीन है, समतल जमीन है, प्लेन है, एक हिस्से पानी गिरा तो जहां पे ढलान होगा, जिस तरफ स्लोप होगा उस तरफ वो पानी बहना स्टार्ट कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको पता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैंड फ्लो। ये हमारा ओवरलैंड फ्लो कहता है। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं, ये हमारा हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हम जो करने वाले हम रनिंग वाटर के बारे में कवर, आज हम करने वाले हैं लीनियर फ्लो के बारे में। क्या अनदर इज लीनियर फ्लो? पहला ओवरलैंड फ्लो के बारे में बता दिया, जो कि शीट की तरह काम करता है, शीट की तरह पानी बहता है, ठीक है। अगला क्या आ रहा है? अनदर इज लीनियर फ्लो। दूसरा है लीनियर फ्लो, पानी एक संकरे रास्ते में बहता है। पानी क्या होगा, अलग अलग सरफेसिस पे गिरा या एक ही सरफेस पे गिरा,
अब वो पानी क्या होगा, उस सरफेस में जो सबसे डाउन हिस्सा होगा, नीचे का हिस्सा होगा, वहां पे जाएगा पहले, और फिर उस हिस्से से नीचे स्लोप की तरफ बहना स्टार्ट करेगा। जैसे मान लीजिए इधर भी एक पहाड़ है, इधर भी एक पहाड़ है, दोनों पे पानी गिरा, दोनों पे पानी गिरा, तो वो पानी पहले यहां इकट्ठा होगा वैली में, और फिर नीचे की तरफ बहेगा प्लेन्स की तरफ। समझ आ गया? तो इसको बोलते हैं लीनियर स्लोप, लीनियर फ्लो। एज स्ट्रीम्स, लीनियर फ्लो में कैसे बहता है पानी? स्ट्रीम्स झरने एंड रिवर्स, और रिवर्स की फॉर्म में बहता है इन वैलीज, वैलीज में घाटियां बन जाती है, उसमें फिर वो बहता है। घाटी मतलब दो पहाड़ों के, दो ऊंची जगहों के बीच का रिश्ता होता है, उसको घाटी बोल देते हैं, वैली बोलते हैं। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक हमारा लीनियर फ्लो ही है, ओवरलैंड फ्लो वो भी इसी का टॉपिक है। ये देखिए, ये चैप्टर है लैंडफॉर्म्स एंड रिवोल्यूशन इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन यहां से लेकर यहां तक हमने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में ये वाला पैराग्राफ हम अभी कर रहे हैं, ये वाला जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ओवरलैंड फ्लो, ये हम नेक्स्ट क्लास में, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तीन पार्ट से पढ़ाऊंगा रनिंग, पहला मैं आज मैं रनिंग वाटर लीनियर फ्लो के बारे में पढ़ा रहा हूं, फिर ओवरलैंड फ्लो के बारे में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास, और उससे नेक्स्ट वीडियो में फिर स्टेजेस बता दूंगा कि वाटर जब फ्लो करता है तो स्टेजेस में इवोल्यूशन होता है ना, स्टेजेस में डिग्रेडेशन होगा। तो स्टेजेस तीन है, ओल्ड मैच्योर और यूथ, मैच्योर और ओल्ड, तीनों स्टेजेस के बारे में पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, सब बता दूंगा, यहां देखते रहो बस। तो अभी लास्ट लाइन क्या बचती है इसमें, मोस्ट ऑफ द इरोजनल, लास्ट लाइन नहीं है, बोर्ड पे लिखी हुई लास्ट लाइन क्या है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर आर एसोसिएटेड विद विग्रस एंड यूथफुल रिवर्स फ्लोइंग ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स। क्या कह रहा है कि जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं, मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर, जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं जो कि रनिंग वाटर के द्वारा बनाए जाते हैं, वो कैसे बनते हैं, एसोसिएटेड विद विग्रस, बहुत ही खतरनाक यूथफुल जवान नदियों फ्लोइंग फ्रॉम स्टीप ग्रेडियंट, जो कि ढलान से बह रही होती हैं। मैं आपको बताता हूं क्या होता है, आप हरिद्वार गए हैं कभी, ठीक है, या ऋषिकेश गए होंगे, वहां पे गंगा का बहाव बहुत ज्यादा होता है, गंगा का एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, वहीं आप पहुंच जाइए इलाहाबाद या पटना, बनारस पहुंच जाइए, वहां पे गंगा में बहाव बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद और पटना में या उससे आगे स्लोप जो है वो स्टीप नहीं है, वो जेंटल हो चुका है, स्लोप कम है, तो इसलिए ऑब्वियसली बात है जब स्लोप कम होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड जब हिमालय से नीचे आइए गंगा, उस टाइम पे स्लोप ज्यादा है, जैसे जैसे हम हिमालय से और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे गंगा का स्लोप स्लोप ग्रेडियंट कम होता जाता है, तो उसकी स्पीड भी कम होती रहती है। इसीलिए हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ, हरिद्वार जाइए, पानी की आवाज आती है बहने की, डर जाते हैं आप कितनी तेज आवाज आ रही है ना। ऑन दी अदर हैंड वहां पे नहीं होता ऐसा, आप अलावा जाइए या पटना जाएंगे तो वहां पे ऐसा नहीं होगा, ज्यादातर वहां पे बहुत धीरे धीरे बहती है, पता भी नहीं चलता बह रही है किस तरह, बह रही है हवा आती है या कुछ उसमें डाल देंगे वो बहेगा पानी का, तब आपको पता चलेगा कहाँ बह रही है, अदरवाइज नहीं पता चलता। ऋषिकेश हरिद्वार में पता चल जाएगा आपको, क्यों? क्योंकि वहां पे स्टीप स्लोप है। तो क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि रनिंग वाटर के थ्रू जो इरोजनल लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं वो कैसे, किसके एसोसिएटेड विद विग्रेस एंड यूथफुल रिवर्स, जब रिवर जवान होती है उसमें स्लोप बहुत, वो ग्रेडियंट पे बह रही होती है, जब जब उसका ढलान ज्यादा होता है वो अपनी स्पीड में होती है, तब उसको यूथफुल स्टेज बोलते हैं रिवर की, ठीक है, यूथफुल स्टेज। तो जो जितने भी लैंडफॉर्म बनते हैं वो रिवर ज्यादातर यूथफुल स्टेज में बनाती है, ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म ज्यादातर। जब रिवर की स्पीड कम हो जाती है तो वो डिपोजिशन ज्यादा करती है, वो इरोजन कम करती है, जहां पे इरोजन ज्यादा करेगी यूथफुल स्टेज में, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या करती है, विद टाइम, टाइम के साथ स्ट्रीम चैनल्स ओवर स्टीप ग्रेडियंट्स टर्न जेंटलर ड्यू टू कंट्रोल कंटिन्यूड इरोजन एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस लूज देयर वेलोसिटी एंड फैसिलिटेटिंग एक्टिव डिपोजिशन। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि जब स्लोप ज्यादा होता है तो रिवर की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, स्पीड भी ज्यादा होगी, जब स्लोप कम हो जाएगा मतलब जेंटल हो जाएगा तो रिवर की स्पीड कम हो जाएगी अपने आप, ठीक है, स्लोप जब ज्यादा है मतलब स्टीप है तो रिवर की वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन स्लोप इज जेंटल या स्लोप कम है तो रिवर की स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब स्लोप ज्यादा होता है तो रिवर की इरोडिंग कैपेसिटी, रिवर जो है इरोजन ज्यादा करती है, इरोजनिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है, वो कटाव बहुत ज्यादा करेगी।
लेकिन जब उसकी स्पीड कम हो जाती है, किस वजह से स्पीड कम होती है, स्लोप कम होने की वजह से, जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो उसकी इरोजन करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और डिपोजिशन करने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब क्योंकि जब उसकी स्पीड ज्यादा थी तो अपने साथ मिट्टी जो जो काट के लाई थी, जो मिट्टी उसको अपने साथ बहा के लेके जा रही थी, जब वो स्पीड कम हो जाती है तो वो उस मिट्टी को अपने होल्ड नहीं कर पाती और वहीं कमी उसको छोड़ना पड़ता है, पानी को मिट्टी नीचे बैठने लगती है, समझ गए। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, उनको सेटल होने का टाइम मिल जाता है जब स्पीड कम होती है, वही ये बात बोल रहा है यहाँ पे अभी, और वही रीजन है जो भी हमारे जो प्लेन्स बनते हैं उनके बनने का रीजन यही है। हिमालय से मिट्टी, हिमालय से मिट्टी सोचो कहाँ, वेस्ट बंगाल में कहाँ पे हमारे जो सुंदरबन डेल्टा है वहां तक जा रही है, वो सब वही मिट्टी है वहां तक लेके जा रही है। जैसे जैसे स्पीड कम हो रही है वहां पे, बिल्कुल कम स्पीड हो गई है, तो सारी वहीं पे डेल्टा बन गए, वहीं पे जाल डाल छोड़ देती नदी, ठीक है। तो इस टाइम के साथ क्या होता है, जैसे जैसे इरोजन होता रहेगा, ज्यादा होता रहेगा, तो क्या होगा, उसकी जो होगी जो स्टीप ग्रेडियंट्स हैं वो जेंटल होते जाएंगे, क्यों, क्योंकि पहाड़ों की हाइट कम होती रहेगी, नदियां इरोजन करेंगी पहाड़ों का, पहाड़ों से ही तो आ रही ना नदियां, ऊंची जगह से ही तो आती हैं, जब आएंगी तो धीरे धीरे जहां से आ रही उस जगह का भी इरोजन करेंगी, इरोजन करेंगी तो हाइट कम होती जाएगी, तो अपने आप जो स्लोप ग्रेडियंट है वो कम होता जाएगा। मान लीजिए आज इतना है तो कुछ टाइम बाद, बहुत टाइम बाद इतना हो जाएगा, तो स्पीड तो अपने आप कम हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो इसकी डिपोजिशनल फैसिलिटेटिंग एक्टिव पोजिशन, इसकी डिपोजिशनल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मतलब पहले क्या हो रहा था, नदी पहले नदी हरिद्वार में आ रही थी पहाड़ों से निकल करके और बंगाल में जाकर डिपोजिशन कर रही थी, अब उसकी स्पीड हरिद्वार में ही इतनी कम हो जाएगी कि हरिद्वार पे ही डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देगी, समझ गए। और क्या होता है, फिर धीरे धीरे डिपोजिशन बढ़ता जाता है। चलिए आगे देखते हैं, यूथफुल स्टेज में नदी की इरोजन ज्यादा होता है, डिपोजिशन कम होता है, जब उसकी स्पीड कम होती है वहां पर डिपोजिशन होगा, जहां स्लोप ग्रेडियंट बिल्कुल कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे नदी मैच्योर होती जाती है तो उसका रास्ता छोटा होता चला जाता है, क्यों, क्योंकि वो जहां स्लोप से बहुत, जहां से निकली है अपने सोर्स से बहुत ज्यादा दूर जा नहीं पाती है। ये हजारों लाखों साल की बात की बात है, ठीक है, अभी की नहीं। इसका एग्जाम्पल लूनी नदी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बताऊंगा इस बारे में, देयर मे बी डिपोजिशनल फॉर्म्स एसोसिएटेड विद स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर स्टीप स्लोप्स। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे कम होगा तो डिपोजिशनल फॉर्म फीचर्स बाय बनेंगे, डिपोजिशनल डिपोजिशन जो है वो फैसिलिटेट करेगी जो हमारे जेंटल स्लोप्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां स्टीप स्लोप्स हैं, जहां पे स्लोप जाता है वहां पे डिपोजिशन बिल्कुल भी ना हो, वहां पे भी डिपोजिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, वही ये बात बोल रहा है। बट दीज फिनोमेना, विच फिनोमेना, डिपोजिशनल फीचर्स मिलना स्टीप स्लोप पे, दीज फिनोमेना will be on small scale, लेकिन ये phenomena बहुत कम स्केल पे होता है, compared to those associated with rivers flowing over medium to gentle stage, gentle slopes, जहाँ पे medium to gentle slopes होते हैं वहां पे phenomena ज्यादा होता है, depositional features वहां पे ज्यादा बनते हैं, वहां पे कम बनते हैं जहां पे steep slope होता है, लेकिन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, in the gentler the river channels in gradient or slope, the greater is the deposition। कहने का मतलब जितना कम स्लोप होगा, जितना जेंटल स्लोप होगा, उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा। ये बात आपको समझ आ चुकी है, ठीक है, वही बात मैं बार बार समझा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट लाइन क्या बोल रहा है इस टॉपिक, इस पैराग्राफ की, व्हेन द स्ट्रीम बेड्स टर्न जेंटल ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन। ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारे अरावलीज हैं वो कभी हिमालय जितने ऊंचे थे, और जो हमारे हिमालयाज हैं उनका कभी इरोजन इतना हो जाएगा, नदियों या नदियां इतने इरोज कर देंगे उनको कि वो अरावली जैसे हो जाएंगे, बल्कि नॉर्थ इंडिया का प्लेन और हिमालय सब प्लेन ही बन जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। इसी मतलब ये हमारा पठार है साउथ इंडिया में, इधर अभी हिमालयाज है, बीच में यहाँ पे प्लेन है, तो ये सारा जो रीजन है ना पूरा एक प्लेन हो जाएगा नदियों का। तो ये ऐसी प्लानिंग है हमारी, जितनी भी जो हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, इरोजनल एजेंट्स हैं, नदियां जो हैं या विंड, उनकी ये प्लानिंग है। जब तक कि कोई एंडोजेनेटिक अपलिफ्टमेंट ना हो जाए या डाउन लिफ्ट ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तब तक ऐसे चलता रहेगा, वो नदियां अपना प्लान ऐसे करती रहेंगी। अगर मान लीजिए उससे पहले कुछ एंडोजेनिक फोर्स कुछ एक्टिव हो जाती है, कुछ उठल पटल होगी अर्थ के सरफेस में, तो अलग बात है, अदरवाइज नदियों का प्लान तो यही है। तो क्या बोल रहा है कि जेंटलर द रिवर चैनल्स, सॉरी, व्हेन द स्ट्रीम बेड्स टर्न जेंटलर ड्यू टू कंटिन्यूड इरोजन, इसका मतलब हिमालय का इरोजन हो रहा है, और इरोजन होगा तो इसका मतलब उसके स्लोप धीरे धीरे टाइम के साथ जेंटलर होते चले जाएंगे, स्लोप कम होता चला जाएगा, जितनी ज्यादा हिमालय की हाइट छोटी होती जाएगी, नदियां उसको काटती जाएंगी,
तो धीरे धीरे उसकी हाइट कम होती जाएगी, तो उसके स्लोप अपने आप ही जेंटल होते जाएंगे। अब आप ये कहेंगे, एक क्वेश्चन यहां पे आता है, मान लीजिए ये हम, मैं जैसे कि ये हमारे हिमालय है, ये दो पहाड़ है, ठीक है, इन दो के बीच में नदी बह रही है, ये नदी बह रही है हमारी, ठीक है। आप ये कहेंगे यार कितना काट लेगी, इन पहाड़ों को कैसे काट देगी, पूरे पहाड़ को कैसे काट के प्लेन बना देगी। उस पर मैं अभी आने वाला हूं, वही अब बोल रही है। वो क्या बोल रहा है, ये डाउनवर्ड कटिंग बिकम्स लेस डोमिनेंट, मतलब जब स्लोप ज्यादा था, स्लोप स्टीप था, तो ये जो नदी है ना, ये जो नदी है, ये एक्चुअली हमेशा से यहां पे नहीं थी, जहां पे अभी ये बह रही है, ये हमेशा से यहां पे नहीं थी, यहां पे नहीं थी हमेशा से, ये कभी यहां पे थी। इसने अपने नीचे की मिट्टी काटी, जब जब नदी की स्पीड ज्यादा होती है तो वो डाउनवर्ड कटिंग करती है, मतलब अपने जो नीचे जिस बेस पे बह रही है उसको काटती है, ठीक है। लेकिन जब नदी की स्पीड कम हो जाती है तो वो नीचे नहीं काटती, फिर वो साइड में काटेगी, इधर की तरफ काटेगी, इन पहाड़ों को काटेगी। अभी वो अपनी वैली को काट रही है, नीचे की तरफ काट रही है और गहरी होती जा रही है। जब इसकी स्पीड कम हो जाएगी तो साइड में भी काटना स्टार्ट कर देगी, फिर ये फिर धीरे धीरे पहाड़ को काटेगी, तो ये पहाड़ कटते रहेंगे, छोटे होते रहेंगे, भाई ऊपर का हिस्सा नीचे का काटेगी, ऊपर का हिस्सा अपने आप नीचे गिर जाएगा, यहां काटेगी फिर ऊपर का हिस्सा नीचे गिर जाएगा, इस तरीके से पहाड़ छोटे होते जाएंगे, नदी फैलती जाएगी। अभी जो है नदी, क्योंकि स्पीड इसकी ज्यादा है तो गहरी हो रही है ज्यादा, उस टाइम पे नदी फैलेगी ज्यादा, गहरी तो होगी ही लेकिन फैलेगी भी ज्यादा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जैसे जैसे स्ट्रीम बेड्स जो जेंटलर होते रहते हैं, तो इरोजन की वजह से स्लोप जेंटल होते हैं, डाउनवर्ड कटिंग बिकम्स लेस डोमिनेंट। तो डाउनवर्ड कटिंग मतलब बेस जो अपना नदी अपने नीचे बेस काट रही है वो कम हो जाता है, एंड लेटरल इरोजन ऑफ बैंक्स इंक्रीजेस, और जो साइड का लेटरल इरोजन मतलब साइड में जो उसके किनारे हैं उनका इरोजन बढ़ जाता है, एंड एज ए कॉन्सिक्वेंस, और इसका नतीजा क्या निकलता है, द हिल्स एंड वैलीज आर रिड्यूस टू प्लेन्स, के हिल्स और वैलीज जो है वो प्लेन्स बन जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, दोनों पहाड़ बेचारे गिर जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो ये एरिया तो प्लेन बन जाएगा। फिर नदी नदी क्या करेगी, फिर नदी में उतना ज्यादा इरोजन नहीं करेगी जितना ज्यादा डिपोजिशन वहीं का वहीं कर दिया करेगी, मतलब 10-15-20-100 किलोमीटर आ गई, ऐसे 2500 किलोमीटर चल के दूर नहीं जाएगी गंगा डिपोजिशन करने के लिए, ठीक है। तो नदी की फिर लेंथ भी कम हो जाएगी अपने आप ही। तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म कम हो गया। नेक्स्ट जो है हम करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम ओवरलैंड फ्लो के बारे में हम पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। आप मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ी वीडियो भी बना नहीं रहा हूँ, ताकि एकदम से आप बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़े आपके ऊपर, ठीक है। आपको देखना चाहे एक ही दिन में देखने देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो बार बार देखिए, कुछ समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करना आपको, थैंक यू।